नमस्कार, मैं नरेश कुमार, आप देख रहे हैं डीडी समाचार खास मुलाकात जनप्रतिनिधि के साथ। आज हम पहुंचे हैं सतारखां सरपंच से बात करेंगे 10 सरकारी ग्राम पंचायत और जानेंगे इन्होंने अपने कार्यकाल में क्या क्या विकास कार्य किए हैं और किन किन विकास के मुद्दों पर उन्होंने चुनाव लड़ा था। तो सर, आपका पूरा परिचय। सतारखां सरपंच ग्राम पंचायत 10 सरकारी। और सबसे पहले आपको नमस्कार कि आप हमारे बीच में पहुंचे हो। जैसा कि 2015 में हमने जनता से वादे किए थे कि हम आपके लिए दिन रात ये कर देंगे, मेहनत के साथ आपके जो भी कार्य हैं उनको पूर्ण करवाएंगे, तो हमने अपनी तरफ से भरसक प्रयास करते हुए लगभग कामों को पूर्ण कर लिया है और जो बच्चों में काम है हम आगामी 2-3 महीनों उनको भी पूर्ण कर लेंगे। सरपंच साहब, मैं बात करना चाहूँगा योजनाओं की। 4.5 साल हो चुके हैं आपके, नरेगा योजना के तहत आपने क्या क्या विकास कार्य किए? नरेगा में हमने लोगों को लगभग कोशिश की है कि 100% प्रति परिवार को रोजगार उपलब्ध करवाया है और इसके अलावा हमने 4-5 मुरब्बे खाड़े का निर्माण करवाया है। पेयजल की बात करूं मैं ग्राम पंचायत में, पेयजल की कोई समस्या आती है आपकी ग्राम पंचायत में और पेयजल की समस्या का समाधान करने के लिए आपने क्या करवाया? बिल्कुल, हमारी जो ग्राम पंचायत है काफी पिछड़ी हुई और रतीले टिब्बा धोरोवाड़ी है, तो जब मैं सरपंच बना तो मैंने देखा कि काफ़ी जगह पाइपलाइनें या लोग, जैसे ज़्यादातर इस पंचायत के जो लोग हैं ढाणियों और खेतों में निवास कर रहे हैं तो वहाँ पानी के साधन उपलब्ध नहीं थे। इसके लिए हमने पूर्ण प्रयास करते हुए गांवों के अंदर पाइपलाइन और खेतों के अंदर लगभग 50 डिग्रियों का हमने निर्माण करवाया ताकि लोगों को स्वच्छ साफ जल मिल सके। इसके अलावा लगभग 42 हैंडपंप लगवाए हैं मैंने मेरे ग्राम पंचायत के अंदर ताकि लोगों को समय पर पानी की आपूर्ति होती रहे, उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत ना रहे। सर, मैं बात करना चाहूँगा प्रधानमंत्री आवास योजना की। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आपने कितने लोगों को लाभ दिया? हमारी ग्राम पंचायत में सेक्स सूची 2011 के अनुसार 358 लोग पात्र थे जिनको लगभग सभी को पूर्ण आवास दे दिया गया है। सर, आज मैं बात करना चाहूंगा ग्राम पंचायत सबसे छोटी इकाई होती है ग्राम पंचायत और सरपंच की बात करना चाहूंगा। मानदेय की 3504,000 रुपए मानदेय, आपकी नजर से सरपंच का मानदेय कितना होना चाहिए? देखिए, सरपंच पद है जो एक समाज सेवी पहली संस्था है हिंदुस्तान के अंदर, तो समाज सेवा की भावना से कार्य करना पड़ता है। सैलरी के आधार पर 3500 रुपए बहुत कम है, तो मिनिमम मेरे हिसाब से कम 10,000 रुपए प्रति मंथ सैलरी सरपंच को मिलनी चाहिए क्योंकि अमूमन जनप्रतिनिधियों की तुलना में सबसे ज्यादा भागादौड़ लोगों की समाज सेवा के कार्य हैं जो ग्राम पंचायतों द्वारा ही कराए जाते हैं। इनको मद्देनजर रखते हुए कम से कम सरपंच के परिवार का भरण पोषण चल सके, इसलिए 10,000 रुपए मंथली सैलरी होनी चाहिए। सर, मैं आज बात करना चाहूंगा राजस्थान, क्या पूरे भारत में नशा युवाओं में बहुत फैल रहा है, आपके और सरकार के क्या प्रयास होने चाहिए कि नशे पर रोकथाम लगाई जा सके? नशे की प्रवृत्ति पिछले 5-10 सालों में अपने एरिया में काफी बड़ी है, तो सरकार से हम यही निवेदन करेंगे कि न कि आम आदमी पर पाबंदी लगाते हुए जो फैक्ट्रियां वगैरह नशे का उत्पाद कर रही हैं उन पर पाबंदी लगानी चाहिए ताकि नशे पर मूल रूप से ही पाबंदी लग जाए। उसके अलावा हमने अपने ग्रामीण स्तर पर नए लड़के हैं उनको खेलों की तरफ अग्रसर किया, जैसे कुश्ती है, कबड्डी है, दौड़ है, तो इस समय में काफी हम काम कर रहे हैं तो लोग बच्चों में काफी सुधार आया है, इसलिए हमारे एरिया में अब नशे पर लगभग अंकुश लगा हुआ है, किसी प्रकार का कोई नशा नहीं है। सर, ग्राम पंचायत की बात करूं सबसे छोटी इकाई, आपका समय कुछ काफी कम बचा है तो मैं जानना चाहूंगा आपकी मूलभूत आवश्यकताएं क्या है ग्राम पंचायत की? ग्राम पंचायत में मूल आवश्यकता, देखो छोटी इकाई है इसलिए यहाँ सभी काम यहीं से शुरू होते हैं, तो इस हिसाब से एक तो हमारी यहाँ मूल है कि काफी पशुओं वाला एरिया है तो यहाँ एक पशु चिकित्सक और हॉस्पिटल की काफी आवश्यकता है जो कि बहुत जरूरी है। हमने इस संबंध में काफी प्रयास किए हैं और हमें बार बार आश्वासन दिए गए लेकिन अभी तक उस रूप में पूर्ण रूप से कोई काम नहीं हो पाया है। सर, जाते जाते मैं जानना चाहूंगा आगामी चुनाव आने वाले हैं पंचायती राज के, आगे आप कौन सा चुनाव लड़ोगे और आने वाले सरपंच को क्या मार्गदर्शन दोगे? चुनाव की बात तो ये है, देखिए जनता पर निर्भर करता है, जनता की हमने निस्वार्थ भाव से 5 साल सेवा की है और आने वाला चाहे मैं ही बनूं चाहे कोई और सरपंच बने तो मैं उसे यही संदेश दूंगा कि वो अपने निस्वार्थ भाव से पब्लिक की सेवा करे, उनके दुख सुख को बांटे, उनको साथ लेके चले, उनके उनके छोटे मोटे घरेलू झगड़े हैं तो उनका निपटारा वह आपस में भाईचारे के साथ बैठ के करें,
आज हमने बात की सतारे खां ग्राम पंचायत 10 सरकारी, उन्होंने बताया ग्राम पंचायत का विकास कराना ही मेरा सपना है। देखते रहे डीडी समाचार, मैं नरेश कुमार, कैमरा पर्सन मुंशी राम के।